बार बार कॉल कर रही हो? तुमसे ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो। तुमने 10 बजे का कहा था, 10:30 बज रहे हैं। इतनी सुबह सुबह मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। मैं अभी नहीं आ सकता, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी किस लिए फैजान? कहीं तुमने सचमुच एडमिशन तो नहीं ले ली? बाबा को शक हो गया है मुझ पर। राजी को मेरे पीछे लगाया जासूसी करने के लिए। He just wants to find out कि मैं वाकई यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ या नहीं। पता था मुझे, अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारे बाबा को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अब क्या होगा फैजान, अब हम कैसे मिलेंगे? कुछ कर लूंगा ना यार, पर पहले इससे तो डील करने दो, मुझे उससे पहले पहुंचना। I don't have time. रमजा, you just don't understand. मैं तुम्हें अपना मसला बता रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रही हो। मैंने अभी कहा है कि मुझे पहुंचना है यूनिवर्सिटी और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे राजी से पहले पहुंचना है। और तुम पता नहीं क्या बोले जा रही हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब हादिया मेरे साथ हुआ करे रात में तो कॉल मत किया करो, उसके सामने मुझे प्रटेंड करना पड़ता है। इतनी प्यार भरी बातें करके मैंने उसको बहलाया है, उसको अगर पता लग गया ना तो यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। तुम उससे कब से डरने लगे? उससे नहीं डर रहा मैं, बाबा की वजह से हादिया को खुश रखना जरूरी है। उनका ये जो डिसीजन है अपनी बेटी को डिसओन करने का, इट हैज गॉटन मी वरिड। अगर वो अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकते ना, तो इमेजिन मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे तो बात बात पे धमकी देते हैं कि तुम्हें डिसओन कर दूंगा मैं। आई हैव टू बी केयरफुल। फैजान आखिर कब तक? मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक तुम दूसरों को खुश करने के लिए मुझे इग्नोर करते रहोगे? मैं पाकिस्तान वापस इसलिए नहीं आई थी कि तुम उस हादिया के साथ रोमांस करते रहो और मैं यहाँ पर तारे गिनती रहूं। कैन यू जस्ट बी पेशेंट फॉर वंस रमशा? प्लीज मुझे प्रेशराइज करना बंद करो, ऐसा ना हो मैं हादिया को अपना लूं और तुम्हें छोड़ दूं। प्लीज तुम मुझे छोड़कर तो दिखाओ फैजान, पूरी दुनिया में इतना तमाशा बनाऊंगी कि तुम भी देखते रह जाओगे। और अगर मैंने उस हादिया को तुम्हारी जिंदगी से ना निकाला तो मेरा नाम भी रमशा अहमद है।